हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 5 अगस्त की इस वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वर्कशीट नंबर 27 यानी कि 27 है, क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखते हैं और यहाँ आपको लिखना होता है अपने अध्यापक अथवा अध्यापिका का नाम। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। आज मैं आपको बता दूं कि ये वर्कशीट सोशल साइंस की है। हम यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था यानी कि फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। कहा गया है कि भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, अर्थात भारत ऐसा देश है जहाँ पे जो सरकारें हैं वो बटी हुई होती हैं, जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड रहती हैं। भारत में सरकार 3 स्तर पर बटी हुई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एंड स्थानीय निकाय। मतलब जैसे आपको पता होगा, पहले पंचायत होती है गाँव के लेवल पर, पंचायत, उसके बाद हमारा स्थानीय निकाय होता है, फिर राज्यों की सरकार होती है, फिर केंद्र सरकार होती है। तो जो पावर्स हैं वो सारी की सारी डिवाइडेड रहती हैं। अब आगे बोल रखा है, केंद्र सरकार के पास कुछ मुख्यमंत्री नीचे दिए गए हैं। आगे हमें बताया गया है कि भाई संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है जहाँ पे जो सरकार है वो 3 स्तर रहते हैं। अगर आपके पास प्रश्न आता है कि बताइए भारत किस प्रकार की शासन व्यवस्था वाला देश है, तो भारत संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। और सर, भारत में सरकार कितने क्षेत्रों में बटी हुई है, कितने उसमें बटी हुई है, तो आप लिख सकते हैं 3 स्तरों में बटी हुई है, जो कि है केंद्र सरकार जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, राज्य सरकार जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और एक होता है हमारा स्थानीय निकाय। अब बच्चों, केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों के नाम हमें दिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो श्री जयशंकर प्रसाद हैं, हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अभी आपने नाम भी सुना होगा अमित शाह जी का न्यूज़ में। तो चलिए बच्चों, ये तो हमारे सारे के सारे केंद्र के मंत्री थे। अब अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि यहाँ पे जो सरकार है वो 3 स्तरों में रहती है, तो केंद्र सरकार का तो आपने पढ़ लिया। अब आपसे आगे पूछा गया है राज्य सरकार, यानी कि जहाँ हम रहते हैं, हम दिल्ली राज्य में रहते हैं, तो आपको दिल्ली राज्य के जो सरकार के लोग हैं उनके बारे में लिखना है। आपको पता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। अब हमसे स्वास्थ्य मंत्री यानी कि हेल्थ मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री यानी कि हेल्थ मिनिस्टर, कानून मंत्री पूछे हैं और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भी पूछे हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री सत्येंद्र जैन, हमारे शिक्षा मंत्री हैं श्री मनीष सिसोदिया जी, कानून मंत्री हैं बच्चों श्री जितेंद्र सिंह तोमर, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं हमारे श्री इमरान हुसैन जी। तो ये है, तो बच्चों आपने ये देख लिया होगा, आप इसे याद कर लीजिए। ये आपके केंद्र सरकार के मंत्री हैं और ये आपके राज्य सरकार के मंत्री हैं, आप इसे याद कर लीजिए अच्छे से। हम कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।